मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और आज एक नया दिन है, नया ब्लॉग है, ट्रेवल वाला ही पास में ही जा रहे हैं। डाकोर बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 36 किलोमीटर है डाकोर, और कल्पेश्वर महादेव जो है कि यहाँ से 53 किलोमीटर है। तो जा रहे हैं वहाँ पे डाकोर महाराज जी का दर्शन करने। कल्पेश्वर महादेव में महिसागर नदी है, तो वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। मम्मी पापा का मन था तो हम लक्की और मम्मी पापा जा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है, लगभग 11:30 बज रहा है, लेट हो गया निकलने में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में, आपको भी दर्शन कराते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं दिखाते हैं क्या क्या घूम रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। गाइस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं कल्पेश्वर महादेव। यहाँ महिसागर नदी है, वहाँ नहाएंगे भी, बाल न बिगड़े इसलिए पूरा ढका हुआ है मुंह को। तीन ग्लास दीजिए ना गन्ने का जूस, नींबू डालिएगा। हाँ कल्पेश्वर महादेव का काफी पुराना मंदिर। ये पहुंच गए हम लोग महिसागर नदी, कल्पेश्वर महादेव के बगल में ही है। यहाँ लोग नहा धो रहे हैं, पानी अभी कम हो गया है, बारिश रुक गई है, तो वरना बहुत भरा था, पूरा यहाँ तक पानी था सीढ़ियों तक। हम लोग नहा के फिर से रेडी हो गए और अब जा रहे हैं दर्शन करने कल्पेश्वर महादेव का। जहाँ नहाने गए थे, पता नहीं कि लोग गंदगी क्यों करते हैं, हर जगह कचरा फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। कोई इधर कितना क्लीन है देखिए यहाँ पर, और उस तरफ जहाँ नहाने का बना है वहाँ लोगों ने गंदगी बहुत की है। गंदगी नहीं करनी चाहिए, प्लीज गाइस, जहाँ जाए वहाँ कचरा नहीं, एक पॉलीथीन रखें, कचरे को उस पॉलीथीन में रख के इकट्ठा करके अपने पास रखें, कहीं डस्टबिन दिखे वहाँ फेंके, इधर उधर ना फेंके प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। अपना ही घर है, सारा संसार अपना ही घर है, सारी दुनिया, हम खुद घूमने आते फिर हमको खराब लगता है। गल्देश्वर महादेव का दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं डाकोर रणछोड़ जी का दर्शन करने के लिए। हम लोग डाकोर पहुंच गए हैं मंदिर के पास। ये पूरा स्तंभ है, जो इसमें पूरा रात में रात होती है ना, तो दिया पूरे स्तंभ पे जलता है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है निकला हुआ, इसमें दिया जलता है पूरे स्तंभ पे। तो इस साइड भी है और इस साइड पे, दोनों साइड रात में दिया जलता है, बहुत खूबसूरत। ये मंदिर है रणछोड़ की कहानी तो आप लोगों को मालूम ही होगी कि वो रथ पे बना हुआ भी है, निशान दिखा रहा है जो भागे हुए सामने। ये है रणछोड़ भगवान का, रणछोड़ के भागे थे। कार्तक मास लिखा हुआ है और संवत लिखा हुआ है 12/12 नहीं लिखी 12/22। हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया रणछोड़ जी भगवान जी का। और ना ही गाड़ी में बैठा करना, घूम लीजिएगा, लेते आइएगा, अभी तो धूप है थोड़ा, बैठा जाए यहीं पर। कहाँ जाना है? जगह बाबू वहाँ बैठे का मजा आया दर्शन करके, भीड़ कम थी ना, आज ऑफ डे था तो मंडे है इसलिए भीड़ कम है, अभी आज धूप है इसीलिए बोल रहे थे कि थोड़ा रुक के चलें कि अभी चलें। यहाँ से सोचिए श्री कृष्ण भगवान भाग के फिर द्वारिका गए, द्वारिका कितना दूर है, इतना दूर भाग के रणछोड़ जी
गए वहां जाके फिर द्वारिकाधीश बने द्वारिका। आरती हो रही है भगवान जी की, रणछोड़ जी की मंदिर में वहां, और यहां स्क्रीन पर लाइव दिख रहा है हम लोगों को आरती का, ये देखिए यहाँ लाइव दिखा रहे हैं आरती रणछोड़ भगवान का। और यहाँ हम लोग नींबू शरबत पी रहे हैं, बहुत तेज प्यास लगी है इसलिए। इधर लेक आ गया, सामने लेक है, बच्चों को घुमाने के लिए गाय गाड़ी भी और एक गौ माता भी है, कितनी बड़ी गाय। व्यू कितना सुंदर है, लेकिन देखो वो बोट आ रही है उसी में हम लोग बैठने वाले। श्री दत्त आश्रम एप्पल फ्लेवर का फैंटा पी रही है पब्लिक, इधर थम्स अप, और यहाँ से दही और यहाँ से गोटा लिए हम लोग, यहाँ का फेमस है डाकोर का गोटा। ये लिया है गाइस, घर चल के दिखाते हैं क्या है। लिया है गाइस, घर चल के दिखाते हैं क्या है। इस पे कौन सा लगे अच्छा लग रहा है ये वाला, गाइस हम लोग आनंद पहुंच गए हैं और अब खाना खाने आए हैं। गाइस तो ये खाना आ गया हम लोगों का, अनलिमिटेड थाली है। हम लोग गलतेश्वर से आए थे, उसके बाद बहुत थक गए और डाकोर से, तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को कि क्या लेके आई हूँ। आज दिखा रही हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या बाई किया वहाँ से। तो सबसे पहले पर्स ही दिखा देते हैं, ये है नेकलेस, ये बहुत काफ़ी खूबसूरत, लकी को बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। ये इधर पंख है, मोर पंख है, बांसुरी बजा रहे कृष्ण भगवान, काफ़ी खूबसूरत और यूनिक है नेकलेस, लॉन्ग है पूरा यहाँ तक का है, देखेंगे देखिए ऐसे। इसको कभी स्टाइल करके आपको दिखाऊंगी, अभी पूरा डिटेल नहीं है, ऐसे दिखा दे रही। फिर एक ये चोकर वाला लिया, पतला सा चेन जैसा अच्छा लग रहा था यूनिक, और ये 150 का है, ये भी 150, ये भी 150 में मिल गया था। और दो इयर रिंग्स लिए थे 50 रुपीज़ में, एक ये है, एक कहीं रखा हुआ है, पहना था मैंने, ये है 50 रुपए में दो मिला था, एक ये है और एक और है झुमके जैसा बाली जैसा, ये लिया मैंने, ए वी लाई वाला नज़र के लिए, नहीं ये भी 50 रुपीज़ में मिला। और बाकी मैंने फिर इसमें आपको दिखाया ही था, तो ये सिल्वर ज्वेलरी है, पहला है ऐसे बॉक्स में इन्होंने दिया मेरे को, अच्छा है ऐसा बॉक्स है। और ये है रिंग, काफ़ी खूबसूरत रिंग है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 5.43 ग्राम है इसका वेट है, और इसका प्राइस जो पड़ा है 1140। अगर डाकोर जाएं और उनको बाई करना तो जा सकते हैं, विंटेज ज्वेलर करके नाम है इसका। और नेक्स्ट ये मेरा फेवरेट है, वो वाला लकी ने पसंद किया था और ये मेरे को पसंद था, तो लकी बोले तो बोलो मेरे को ये पसंद था तो फिर मैंने दोनों ले लिया। ये भी ऐसे ही सेम बॉक्स में है, और ये है इसका डिजाइन, देखिए काफ़ी खूबसूरत ये भी है, आई होप दिख रहा हूँ। इसका वेट है 7.30 ग्राम, और प्राइस जो है कि इसका 1533 रुपये है, टोटल 2600 रुपये का मैंने दोनों रिंग खरीदा था, है लेकिन काफ़ी खूबसूरत बहुत ही, और इसमें साथ में लोगो भी दिया हुआ है इसमें। तो बस यही शॉपिंग किया, बाकी खूब सारा वहाँ का डाकोर का गोटा फेमस है, वो खाया हम लोगों ने दही के साथ, तो साथ बस इतना ही, कल थक गए थे इसलिए नहीं बना पाई, तो मैंने कहा
दिखा देती हूँ। कल की रात नहीं, ये आज दूसरी रात है तब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और अभी सोने जा रही हूँ, टाइम हो रहा है 12:20 हो रहा है और मैं अभी को सोची आप लोगों को फटाफट दिखा दूँ ताकि ये सब समेट के रख दूँ सारी चीज़ों को मैं इसलिए। और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा जो भी आपको इसमें से, जो भी अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, बुरा लगा, जो जैसा लगा कुछ तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।